क्रिटिकल थिंकिंग इन क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी नाउ वी आर मूविंग टू द रिसर्च इन क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी जो है वो एक क्रिटिकल एंड कंपेरेटिव स्टडी है कल्चरल इफ़ेक्ट ऑन ह्यूमन साइकोलॉजी और वो जो भी नतीजा निकालती है वो दो सैम्पल होते हैं दो डिफरेंट कल्चर से और ज़्यादा भी हो सकते हैं अब ये जो कम्पेरिजन है इसकी वजह से कुछ बहुत सोच विचार करनी पड़ती है क्रिटिकली तनकीदी नज़र से देखना पड़ता है लर्निंग हाउ टू थिंक क्रिटिकली इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइटल एंड इनडिसबल कंपोनेंट्स ऑफ लर्निंग यानी ये आ, सीखने के लिए रिसर्च करने के लिए हमें क्रिटिकली सोचना जो है वो इंतहाई नागजीर है और बहुत अहम है थिंकिंग जो है वो वैसे भी एक असेंशियल ह्यूमन करैक्टरिस्टिक है जो भी हम कुछ करें उसमें सोच होती है लेकिन क्या हम थिंकिंग ही के बारे में सोचते हैं कभी क्या हम अपनी सोच के ऊपर भी क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग ओपन माइंडेडनेस क्रिएटिविटी कम्युनिकेशन एनालिसिस ये सब क्रिटिकल थिंकिंग के जो हैं वो कंपोनेंट्स होते हैं मेटा थिंकिंग क्या होती है क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी में मेटा थिंकिंग ये होती है ये कोई जादू नहीं है इट्स नॉट मैजिकल मिस्टिकल कोई पशीदा चीज़ हो और कोई मिस्टीरियस पुरस्ार कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है और ये कोई ऐसा गिफ्ट भी नहीं है जो आप हासिल ना कर सकें और ये जैसे किसी के ऊपर मोजे के तौर पे नाजिल हुआ हो जो कि बहुत ही कोई जहीन जीनियस एलीट लोग होते हैं इट इज़ अ स्किल दैट कैन बी कल्टिवेटेड लर्न एंड टॉट सिखा सकते हैं हम आपको और खुद भी सीख सकते हैं ये जो स्किल है ये लोगों को हेल्प करता है कि जो भी क्रॉस कल्चरल रिसर्च कर रहा हो साइकोलॉजी में कि वो एनालाइज करे सोचे तबसरा करे उसको कम्युनिकेट करे और उसको इस तमाम प्रोसेस से गुजारे जो अभी हमने आ, देखा था यानी एनालिसिस कम्युनिकेशन क्रिएटिविटी तखलीकीी अंदाज़ में सोचें क्रिएटिव तरीके से सोचें ओपन माइंडेड होकर सोचें और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ये तमाम स्किल्स जो हैं वो इस्तेमाल करें